Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Nexon. This is a brand new car, just ran around 2000 kilometers. अभी इनके नंबर मिले भी नहीं है और हरियाणा से गाड़ी आई है सी एन जी लगने के लिए. द क्वालिटी विच आई एम गिविंग इज द सेम विच आई एम गिविंग इन ऑल द नेक्सॉन्स. इसके अंदर जो किट लगाया, दिस इज मोटोजेन. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. इसके अंदर मैंने एन जी वी वाल्व, साइड फिलिंग वाल्व भी लगाया, जो जेन्युइन मारुति में कंपनी फिटेड में लगाता हूँ मैं. ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का, जो मोटोजेन के अंदर अप्रूव्ड है. और इनका जो ई सी एम है 32 पिन का है, जो मेड इन इटली, जो आपके टाटा की गाड़ियों में अप्रूव्ड है. ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस आपकी फाइनली पंप हो रहा है. और जो नेक्सॉन के अंदर जो मैं लगाता हूँ, नेक्सॉन को और बेटर करने के लिए, एक तो डायनेमिक एडवांसर है जो कि मैं हमेशा सभी नेक्सॉन्स में लगाता हूँ. 3 सेंसर पे काम करता है, क्रैंकशाफ्ट और 2 कैमशाफ्ट. और बिलीव मी, दिस कार इज़ गोइंग टू रन अल्टीमेट. मज़ा आएगा भाई को गाड़ी चला के. दूसरा जो काम करता हूँ, बिना छेद किए इंजन में गैस इनलेट. इसके 2 फायदे हैं, एक तो छेद नहीं होगा और दूसरा गैस वहीं से जाएगा जहाँ से पेट्रोल. तीसरा काम आपका सॉकेट टू सॉकेट इंजेक्टर में, कोई वायर कट नहीं है, कपलर टू कपलर. चौथा जो काम किया हूँ मैं, किट आपका मोटोजेन का है, जेन्युइन लवेटो का मैंने फ़िल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए, इंजन की लाइफ बढ़ेगी. पांचवा जो काम किया हूँ मैं, इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन, ये देखो एक पाइप यहाँ से आ रहा है और एक पाइप यहाँ से नीचे से ये जा रहा है आपके रिड्यूसर में. टेम्परेचर सेंसर वहीं लगेगा जहाँ लगा होना चाहिए. और इससे जो है काफ़ी जो है एवरेज इम्प्रूव होता है, जर्क नहीं रहता है, गैस की फ्लो फ्री रहती है. जो मेरा क्वालिटी है नेक्सॉन के अंदर, जो मैं काम करता हूँ वो सारा काम करके दिया हूँ मैं. जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग, अल्टीमेट फिटिंग डन वंस अगेन इन टाटा नेक्सॉन. दिस इज़ द क्वालिटी बाई पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार ऑफ प्लेसेस टू अवेल आर सर्विसेज. दिस इज़ द क्वालिटी. इस गाड़ी के अंदर मैंने साइड फिलिंग वाल्व भी लगाया, जो कि आज के डेट में बहुत डिमांड में है, क्योंकि इन गाड़ियों में बोनेट बहुत हैवी है. लोग चाहते नहीं हैं कि आपका जो है बार बार बोनेट खोलना पड़े. सेम वैसे ही जैसे ही आप पेट्रोल डलवाते हो, अपना खोला और वहाँ से सीएनजी डलवा लिया. आइए मैं आपको साइड फिलिंग वाल्व दिखाता हूँ मैं. आइए, 2000 किलोमीटर है. इसके अंदर मारुति में जेन्युइन जो कंपनी फिटेड में आता, वह कंपनी का मेड इन जर्मनी, ये वो वाल्व मैंने लगा के दिया. दिस इज़ द क्वालिटी, दिस इज़ मेड इन जर्मनी. नॉर्मल चाइनीज़ वाल मैक्सिमम मार्केट में लगता है, लेकिन वो उनकी जो है उतना लाइफ नहीं है. ये वाल्व आराम से आप चलाओ, जेन्युइन वाल्व है. वैसे मारुति में लेने जाओ तो मिलता नहीं है, क्योंकि केवल कंपनी फिटेड में ये आता है. और ये वाल्व जो है, वैसे आपकी अगर कंपनी फिटेड कार में ख़राब हो जाए तो ये 9000 रुपये का है. मैंने कुछ कहीं से अरेंज किया है मैंने, और वो मैं इसके अंदर लगाता हूँ. जो नॉमिनल कॉस्ट है, जो मेरा लगा है, वही लेता हूँ मैं किट के साथ. दिस इज़ द क्वालिटी. कंप्लायंस प्लेट भी लगा दिया, यहाँ से आराम से वो डेट देखेंगे और सीएनजी डाल देंगे. और इसके अंदर जो सिलेंडर हमने लगाया, दिस इज़ 12 केजी एंड अ ब्रांड न्यू कार, जस्ट रन 2000 किलोमीटर्स. सी द स्पेस, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्पेस इज देयर टू कीप योर लगेज. जो स्टैंड का मेरा क्वालिटी है सेम वही, आपका ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड दिखाता हूँ मैं. ये देखो स्टैंड की क्वालिटी, आप देखो यहाँ पे शीट जो है मैंने ब्रॉडर दिया है मैंने, क्योंकि इससे क्या है कि आपका बॉडी कभी क्रैक नहीं होगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा सिलेंडर का वजन सहने के लिए. जो नट बोल्ट लगाया मैंने, TVS कंपनी का नाइलॉक नट बोल्ट लगाया, ये एक बार फिक्स हो जाता है, कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा. नॉर्मल नट बोल्ट क्या है कि 2-4-6 महीने में लूज़ हो जाता है, ये कभी लूज़ नहीं होगा. और स्टैंड का क्वालिटी है आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड, दिस इज़ द क्वालिटी, सेम लाइक कंपनी फिटेड और रबर ग्रिप के साथ. डक्ट भी लगाया मैंने, कभी एक्सेस गैस हो तो यहाँ से लीकेज होता है, तो कभी भी हो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा. सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन इन टाटा नेक्सॉन. एंड टाटा नेक्सॉन के अंदर हमें पता है कि इस गाड़ी के अंदर हमने कितना मैप रखना है, कितना एडवांस रखना है, क्या इनके अंदर क्या सेटिंग रखना है. गाड़ी अल्टीमेट चलता है, मज़ा आएगा इनको. मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल जैसी चलेगी और पेट्रोल से भी बेहतर चलेगा, मज़ा आएगा.
सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द टाटा नेक्सॉन, अ ब्रांड न्यू नेक्सॉन, और इस पे हमने साइड फिलिंग वाल भी लगा के दिया हमने। सेम वही जो कंपनी फिटेड में आता है, बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो सिलेंडर लगाया हमने 12 केजी का सिलेंडर लगाया, एक बार देखते हैं गैस कितनी आ रही है। ये वाल्व में आपकी फिलिंग थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू जो आप आगे वाल्व से आप फिलिंग कराते हैं। लगभग 3.5 किलो गैस आ गई है बात करते करते। अब एक बार देख लेते हैं गैस कितनी आ रही है। दिस नेक्सॉन विल गिव यू एवरेज ऑफ अराउंड 18 किलोमीटर्स पर केजी। हाईवे पे आप जाओ तो 25 प्लस मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। मज़ा वही है जो पेट्रोल पे है, मतलब तीनों मोड टर्बो सब काम करेगा, आप गाड़ी चला के आनंद ही आनंद है। और मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं नेक्सॉन के, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मतलब यू आर गोइंग टू सेव 50% ऑफ मनी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द पिकअप एंड स्पीड। लगभग 7.5 किलो गैस आ चुकी है, अब एक बार देख लेते हैं। देखो 12 केजी के सिलेंडर में लगभग 8-8.5 गैस आते हैं, और 14 केजी का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। अभी एक गाड़ी 14 ढली, वो 8 किलो भी नहीं आया उसमें, ये 8 किलो 200 ग्राम क्रॉस कर रहा है। लगभग 8.5 किलो गैस आ जाता है, 8 किलो 300 ग्राम। चलो अब एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए, सो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन PS6 Phase 2। बिल्कुल नई गाड़ी है, 2000 किलोमीटर चली है। और ये गाड़ी मैं जैसे चैलेंज के साथ कहता हूँ भाई, पेट्रोल जैसी और पेट्रोल से भी बेहतर। एक बार भाई बताएगा खुद कैसा चल रहा है। भाई बहुत अच्छा चल रहा है, स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ और बिल्कुल कोई डिफरेंस ही पता नहीं लग रहा है। किसी भी मोड में आप चला? हाँ, नॉर्मल मोड में भी चलाया मैंने, उसमें भी मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा। और लड़के ने जो फिटिंग किया कैसा रहा? बहुत अच्छी फिटिंग करी, बहुत अच्छी। जो एक आदमी मतलब एक इमेजिन करता है ना, हाँ, कि कुछ होना चाहिए, हाँ, कंपनी जैसा, हाँ, बिल्कुल कंपनी जैसी फिटिंग करी है। और आपका साइड वाला वो बाल भी लगा दिया, बार बार बिल्कुल खोलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो बड़ी निजात मिल गई। मेरी पुरानी गाड़ी थी ग्रैंड आई 10, हाँ, मैं बार बार बोनट खोल खोल के परेशान हो गया था, इवन हाँ, उसके लोक भी खराब हो गया था, हाँ, अब वो टेंशन ही नहीं है उस चीज़ की। अब जहाँ से पेट्रोल डलता है वहीं से CNG डलेगी। थोड़ा सा रोड खराब, थोड़ा सा कोई नहीं, सस्पेंशन अच्छे हैं, आप अच्छी गाड़ी में बैठे हो। और अच्छी आपने कर दी CNG लगा करके। चलो बढ़िया, मैं वही देखो, मैं सबको यही कहता हूँ, बिना कॉम्प्रोमाइज आप 50 पैसे बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कॉम्प्रोमाइज यहाँ से यूटर्न यहीं से ले लेते हैं। चलो नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा CNG लगवाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि 2000 किलोमीटर में मेरा 20,000 रुपये से ज़्यादा का तेल लग गया। तो अभी मैं जब आपके शोरूम पे आया तो मेरे को बोला कि कुछ लोगों ने बोला आपकी तो नई गाड़ी, आपने तो डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया। मैं बहुत जल्दी नहीं लेता तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता पैसे का, तो डिसीजन तो लेना था। मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन आप 10,000 किलोमीटर चला लोगे आपके जी किट के पैसे वसूल है। ओके, और जिस दिन 1.5 लाख किलोमीटर चला लिए गाड़ी के पैसे वसूल है। चलो आपके मुंह में घी शक्कर। और बाकी अगर ऐसा ही रहा तो हमारी और गाड़ियां भी आपके पास ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू। सो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन, रियली भाई किसी भी गियर पे, किसी भी मोड पे, किसी भी स्पीड पे कहीं मिसबिहेव नहीं है, गाड़ी चलाने का आनंद ही आनंद है। देखो ये गाड़ी चल रही है और ऐसी चलेगी, जो देख रेख करना है मैंने इनको समझा दिया है। मज़ा आएगा गाड़ी चला के भाई, 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी जो मज़ा आ जाए अगर आप मेंटेन करके चलोगे मज़ा आएगा। चलो मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। चलो सो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल, इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।